Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपसे ओजोनोलाइसिस का टॉपिक डिस्कस करूंगा। इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस और इसमें हम किस तरह से रिएक्शन को कैरी करेंगे, ये आज के इस लेक्चर में हम अल्कीन और अल्काइन दोनों के केसेस में देखेंगे। जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अल्कीन और अल्काइन्स के दोनों के रिएक्शंस को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, तो इसी तरह से आज के इस रिएक्शन में भी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो आप लोग अपने नोट्स साथ साथ बना लिया करें ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओजोनोलाइसिस में हमने करना क्या है। देखें, इसके नाम में बेसिकली दो इसके वर्ड्स से मिलके ये वर्ड बना है। ओजोन से हमें पता चल रहा है कि ओजोन इज एलोट्रॉपिक, वेरी रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, O3 को लाइसिस में तोड़ना है और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो ओजोनाइड्स आएंगे, जो कि हम देखेंगे कि किस तरह से हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपाउंड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अल्कीन्स के रिएक्शंस देखते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोग याद रखें कि इसका यूज क्या है। हम इसको यूज करते हैं अल्कीन्स के डबल बॉन्ड्स की लोकेशन, जैसे अननोन अल्कीन्स हमें दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि वो उनकी लोकेशन क्या है, तो हम इस रिएक्शन की मदद से हम अल्कीन्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये रिएक्शन करता है और हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, देन मैं उसका मैकेनिज्म भी आज के इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि ओजोन कंटेनिंग एयर पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कीन एंड इनर्ट सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, इसमें आपने यूज करना है जो कि इनर्ट सॉल्वेंट, और टेम्परेचर कितना होगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने उस एयर जिसके अंदर ओजोन मौजूद होगा इस रिएक्शन को कैरी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो एक चीज आपसे डिस्कस करने लगा हूं, तो आप देखें कि मैं अभी यहां पे कुछ भी नहीं लिख रहा, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा। इससे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के इसकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर O3 को ऐड करना है। O3 को जब हम ऐड करेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख लें कि इसमें क्या होगा। आप एक मिनट के लिए यूं समझें कि हम इन डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इनको पकड़ के खींच रहे हैं। जब हम इनको खींचते हैं तो हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड यहां पे बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन आ जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ, प्लस ये जो कार्बन था इसका भी डबल बॉन्ड और यहां पे ऑक्सीजन, ये दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। सो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये वाटर की मौजूदगी में हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा होता है, तो उसकी मदद से हम इसकी ऑक्सीडेशन भी करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, स्टार्ट में हम लेते हैं इथीन, तो आप इथीन से क्या प्रोडक्ट आएगा, यहां पे भी H, यहां पे भी H, यहां भी H है। तो इथीन से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर। दोनों ही क्या है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह अगर मैं ले रहा हूं यहां पे, अब आप देखते जाएं उसमें हमारे पास क्या होता है, आपको पेपर में कंफ्यूजन के लिए पूछता है कि जी आप फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का मिक्सचर ले, तो आपने क्या कर लेना है, फिर आपने प्रोपीन ले लेना है, क्योंकि CH3C यहां पे H आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपने क्या करना है, ओजोन लिखना है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, उसी को पकड़ के खींचें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी तरह से यहां पे क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब आप देखें यहां पे क्या था, CH3 और H, तो ये यहां पे CH3, यहां पे H, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिट एल्डिहाइड, और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है,
तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। तो आपने देखा हमने प्रोपाइन जब स्टार्टिंग लिया तो प्रोपाइन से हमारे पास क्या हुआ, एक एसिड एल्डिहाइड बन गया और एक फॉर्म एल्डिहाइड बन गया। इसी तरह अगर हमें कहता है कि एसिड एल्डिहाइड का मिक्सचर कैसे आएगा, तो भी आपने क्या करना है, अब इस केस में आपने फिर वो जो मेन चीज है वो आपने डबल बॉन्ड यहां पे लिखना है। अब अगर हम लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है 2-butene। तो आप देखें 1, 2, 3, 4 और सेकेंड और थर्ड में चूंकि मौजूद है हमारे पास 2-butene डबल बॉन्ड, तो 2-butene है। तो हमारे पास इसमें क्या हो सकता है कि सिज फॉर्म भी हो सकती है और ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। ये एक्सरसाइज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है जिससे वो यही बात करता है कि आप हमें बताएं कि किस तरह से हमें एसिड एल्डिहाइड का मिक्सचर आता है, तो स्टार्टिंग हम कौन सा ऐसा अल्कीन लें, तो उन दो का नाम लिखें। तो कॉन्सेप्ट उसमें यही है ब्यूटीन का, लेकिन आपने याद रखना है उसमें जो आंसर है उसका क्या है, वो सिज और ट्रांस ब्यूटीन की बात है। खैर हमने यहां पे क्या करना है, अब देखें वही सेम चीज कि मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं O3, तो O3 में क्या करना है आप लोगों ने, इस कार्बन को डबल बॉन्ड लगा के यहां पे ऑक्सीजन, इस कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा के ऑक्सीजन। तो अब देखें यहां पे क्या था, CH3 और H, तो ये भी क्या बन गया एसिड एल्डिहाइड, और यहां पे भी क्या था CH3 और H, तो ये हमारे पास क्या बन गया दोनों एसिड एल्डिहाइड। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपने कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर रखें तो इससे बातें कंफ्यूज नहीं होती और इंशाल्लाह उनको अटेम्प्ट करना भी इजी हो जाता है। सो हमने देखा, मैंने आपके सामने डिफरेंट अल्कीन्स लिखी जिससे फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है, मैथनल। तो हमने देखा हमारे पास दोनों मैथनल कब आए, जब इथीन, हमारे पास एक एसिड एल्डिहाइड यानी कि एथनल और एक मैथनल कब आया, जब हमने प्रोपाइन लिया, और जब हमने क्या किया उसके अंदर ब्यूटाइन लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, वो मिक्सचर ऑफ इथनल आ गया। सो दिस इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं चलता हूं ये रिएक्शन कैरी कैसे होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, तो हम ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं विद मैकेनिज्म, मैं कोशिश करता हूं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो अब आप देखें हमारे पास है क्या, हमारे पास है अल्कीन। अल्कीन हमारे पास इस तरह से, अभी मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहा, जो भी आपने यहां से बनाना होगा वो यहां लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास अल्कीन है, मैं अल्कीन के सामने क्या करता हूं, ओजोन लिखता हूं। अब ओजोन हमारे पास O3 होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जो सेंटर का है उसके 3 bonds हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव साइन, और ये डबल बॉन्ड इसके अपने 2 electrons पूरे हैं। अब क्या होगा, हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ये क्या होगा डबल बॉन्ड, ये इसके इलेक्ट्रॉन पूरे कर देगा। जब ये पाई बॉन्ड यहां अटैक किया था तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई थी, तो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया। तो हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर किस तरह से बन गया, देखें जरा। अब देखें मेरे पास क्या हो गया, ये कार्बन, ये उसके 2 bonds, ये सिंगल, ये कार्बन। अब इसने अटैच, ये कैसे अटैच हुआ, यहां पे O के साथ, O के साथ क्या था ये O, ये O, अब इस O ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड मोलोजोनाइड। अब मोलोजोनाइड क्या है, ये अनस्टेबल है, इसने फौरन टूट के क्या बना देना है, ओजोनाइड। अब हम देखते हैं ओजोनाइड कैसे बनता है, तो ये 2 steps है हमारे पास। तो ये आप देख लें, इसके भी 2 electrons पूरे हो गए, इसके भी 2 electrons पूरे हो गए, और इसके भी 2 electrons पूरे हो गए, जब हमने इस तरह से हमने रिएक्शन किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आप देखें इसके अंदर ही हमारे पास इस तरह से चेंजेस आएंगी, ये लोन पेयर यहां पे शिफ्ट होगा, क्लियर। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां पे आ जाएगा।
अब आप देखें ये किस तरह से रिएक्शन हुआ। तो अब इसमें आप देखें क्या हुआ, ये कार्बन हमारे पास ये पड़ी है, इसके ये दो बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का पेयर यहां पे आया तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन इसके साथ मौजूद था जो ये वाला बॉन्ड लेके अब क्या हो गया इसके पास, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। और इसके पास क्या हुआ, एक लोन पेयर पड़ा है, एक उसने यहां पे यूटिलाइज कर लिया, यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। अब ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था ये टूट गया है। अब ये कार्बन के दो बॉन्ड यहां पड़े, ये ऑक्सीजन के साथ उसने ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये मेरे पास दो प्रोडक्ट बन गए। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आप इसी चीज को यहां पे लिखें। अब इसमें आपने क्या करना है, ये दोनों चीजें लिखें आप, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव साइन वाली, ये पॉजिटिव विद वन लोन पेयर, ये थ्री लोन पेयर। अब ये कार्बन आप इस साइड पे लिख दें। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कार्बन मैं यहां लिख रहा हूं और इसका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहां लिख रहा हूं और ये यहां पे हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, इस कार्बन पे। जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखें क्या है, वो क्या हो जाएगा, अब ये कार्बन, ये इसका क्या हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन अटैच है। अब इस ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया, इस कार्बन पे। और अब ये कार्बन के साथ कौन अटैच था, ऑक्सीजन। और अब ये जो इसका डबल बॉन्ड था ये इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन के दो दो बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये जो हमारे पास चीज बनी, जो नॉर्मली बुक्स में इस तरह से लिखी होती है तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होती है इसको। तो ये जो हमारे पास बना, दिस इज कॉल्ड ओजोनॉइड। ये हमारे पास क्या बन गया, ओजोनॉइड। अब ओजोनॉइड जो होता है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही विगुरस रिएक्शन देता है। हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, हम इसको आइसोलेट जब नहीं कर सकते तो हम इसको वार्म करते हैं विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह से ये रिएक्शन करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास, मैं इसको जो मेन रिएक्शन था ओजोनॉइड का बनाना, अब ओजोनॉइड के बाद हमारे पास क्या बन रहा है हम वो देख लेते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने, अब इसको हम मैकेनिज्म से अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो अब आप देखें हमारे पास क्या बन गया, ओजोनॉइड। अब ओजोनॉइड को हमने क्या से लिखना है, तो ये आपने देख लेना है जैसे हमारे पास बना। इसमें अब एक चीज आपने याद रखनी है, ओजोनॉइड में कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट चुका है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास इसके ये दो बॉन्ड, इसके ये दो बॉन्ड। अब हमने क्या करना है, इसको वार्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो सिंपली अगर आप यहां पे वाटर लिख लें, जिंक हम नेक्स्ट स्टेप में डाल देते हैं, तो वाटर जब आपने लिखा अब क्या होगा, अब ये देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, एक इस कार्बन का है, इसी तरह से एक ये ऑक्सीजन का है, ये इस कार्बन का है। अब क्या होगा, इसी तरह ये जो बॉन्ड है ये किस ऑक्सीजन का है, ये इस ऑक्सीजन का है। अब हमने ये बॉन्ड क्लीवेज इस तरह से करनी है और यहां से ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा। अब आप देखें हमारे पास क्या बच गया है। तो ये चीज आपने बड़ी क्लियरली अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अब हम कार्बोनल कंपाउंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास ये कार्बन हो गया, इसके ये बॉन्ड दो अपने पड़े। अब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट चुका है। अब इसके पास सिर्फ क्या है, एक ऑक्सीजन। अब जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का स्पेयर हुआ है, उन दोनों ने मिलके यहां पे क्या बना देना है, डबल बॉन्ड। सो ये कार्बन और ऑक्सीजन में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। इसी तरह जब ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने मिलके भी क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो देखें जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बोला
कि वहां पे तो मैं सिंपली ये कह रहा था कि आप डबल बॉन्ड वाली कार्बन को खींचें और एक एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, तो वही केस यहां पे हो चुका है। अब जो ग्रुप यहां पे अटैच होंगे उसी से रिलेटेड, जैसे ये हमारे पास बना एसिटाल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर बन गया। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन हमारे पास पेयर हो गया जो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करें, वो जो जिंक के साथ मैं आपको हीट करने को बोल रहा था, तो आप H2O2 के साथ रिएक्शन करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा उसकी रिडक्शन करेगा बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड और हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन गए। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में वो क्या हो सकते हैं, वो एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और वो कीटोन्स भी हो सकते हैं। सो इस तरह से आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखना है कि ये उनका मिक्सचर बनता है, ठीक है। अगर कीटोन की तरफ जाएंगे तो यहां पे भी आप CH3 लगा दें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहां भी CH3 आ जाएगा, तो वो कीटोन और एल्डिहाइड का मिक्सचर हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे वहां पे मौजूद है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इस तरह से हमने अल्कीन के साथ रिएक्शन किसका किया, ओजोन का किया। हमारे पास ये अल्कीन था, अल्कीन में हमने क्या डाला, ओजोन। तो सबसे पहले क्या बनता है, मोलोजोनाइड, जो नॉर्मली आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है मोलोजोनाइड में क्या है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड मौजूद है और तीनों ऑक्सीजन एक तरफ मौजूद है। बाकी ये स्टेप मैकेनिज्म के हमने किए, तो ये स्टेप आपकी बुक्स में नहीं है, ये टू स्टेप्स, तो अगर आप इनको देख लें करना चाहे तो वेल एंड गुड, वरना मोलोजोनाइड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ओजोनाइड। और देन ओजोनाइड को आपने क्या करना है, चूंकि मैंने आपको बोला कि वो बहुत ज्यादा विगुरस रिएक्शन देते हैं, उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, वो एक्सप्लोड करता है, तो उसको जेंटली वार्म करते हैं विद जिंक एंड वाटर, तो हमारे पास क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्लीविज प्रोडक्ट देता है, कहां पे, एट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये लोकेट करने में काम आता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड अल्कीन्स, जहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी वहां पे वो ये चीज बना सकता है। तो हमने देखा कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे पास आ गए। अब हम अल्काइन्स की ओजोनोलाइसिस देखते हैं कि उसमें किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पे हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाया, यहां देखते हैं हमारे पास क्या बन सकता है। तो आप देखें, मैं जल्दी से इस रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं। ये ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आर यहां पे मौजूद है। अब चूंकि हम इसमें ओजोन डालेंगे इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, O3 इसमें डाला, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बनेगा, वो ओजोनाइड बन जाएगा। अब ओजोनाइड हमारे पास क्या है, यहां पे सी, यहां पे R, ये मैंने दो डिफरेंट R इसलिए इस पे शो कर रहा हूं, R और R डैश उसको लिख लें या 1 लिख लें, तो उससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, वो दो डिफरेंट R हैं। अब क्या होगा, ओजोनाइड हमारे पास किस तरह से बनेगा, ये दो ऑक्सीजन ऊपर मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन यहां पे मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड हमारे पास है, हमने क्या करना है, इसकी इसमें आप वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने से हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने वहां पे लिखा। अब मैं इसमें मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाता, डायरेक्ट आपको यहां से प्रोडक्ट बताता हूं, आपने क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करना है। अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से क्या होगा कि ऑक्सीजन के बॉन्ड यहां से, ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन का फारेग और ये ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड, और इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो अब आप देखें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट देखें हमारे पास आ जाएगा आर सी, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड मौजूद है, ये भी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर क्या आ जाएगा आर प्राइम, और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास बनता है। और वैसे भी आपने याद रखना है, जब हम इसमें वाटर में इसको ऐड कर रहे हैं ओजोनाइड में, तो हमारे पास कीटोन्स बन सकते हैं, और कीटोन्स की फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। तो अब आप देखें ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, इसको आप लिख लें, दिस इज कॉल्ड 1,2-dicarbonyl कंपाउंड, 1,2-di
कार्बोनाइल। अब आप देखें दो कार्बोनाइल इकट्ठे पड़े तो ये डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। अब हमारे पास चूंकि प्रोडक्ट में H2O2 आया था तो आप क्या करें, इसमें H2O2 डालें तो वो क्या करेगा, अब इन जो कार्बोनाइल के कंपाउंड्स का बॉन्ड था इसको क्या करेगा, तोड़ेगा और हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे। वन इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, और साथ में इसी तरह से जो दूसरे का प्रोडक्ट आएगा जो आर प्राइम वाली साइड पे, तो मतलब उनकी क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गई जैसे मैं बोल रहा था। तो हमारे पास इस केस में क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड इस अल्काइन्स की ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या बन चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुके हैं। सो दिस इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन फॉर द अल्काइन्स, और अल्कीन्स के लिए जैसे आपने देखा कि हमारे पास क्या बना था, ओजोनाइड, और ओजोनाइड के में जब हमने वाटर डाला तो हमारे पास कार्बोनल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स बने। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि अल्कीन्स है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बने, और अल्काइन्स के केस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो ये था हमारा आज का अल्कीन और अल्काइन का ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।